नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है रेसिपी मंत्रा में एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम कुछ मीठा ट्राई करते हैं। तो आज हम बनाएंगे बर्फी, लेकिन बर्फी को आज हम चने की दाल से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि चने की दाल की बर्फी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। एक कप मैंने चने का दाल लिया है, वेट से ये 200 ग्राम है। दाल को मैंने 7-8 घंटे पहले पानी में भिंगो के रख लिया है। 2 कप दूध लिया है मैंने, 1 कप चीनी लिया है मैंने, वेट से ये 200 ग्राम है। 1 कप घी लिया है, 12 से 15 मैंने काजू लिया है, काजू को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 12 से 15 मैंने बादाम लिया है, बादाम को भी मैंने बारीक लंबे आकार में काट लिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ता लिया है, पिस्ता को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर लिया है। तो आइए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दाल को छान लेंगे। सबसे पहले हम एक बड़ा बॉल लेंगे, उसके ऊपर इस प्रकार से छलनी रखेंगे और दाल को इस प्रकार से छान लेंगे। अगर आप इस रेसिपी को झटपट बनाना चाहते हैं तो दाल को हल्के गुनगुने पानी में 2 घंटे के लिए भिंगो लें। अब हम छलनी को 5 मिनट के लिए इसके ऊपर छोड़ देंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। अब हम दाल को किसी मोटे कपड़े के ऊपर डाल देंगे और डाल के इसे फैला देंगे, और फैला के इसे इस प्रकार से पोंछ लेंगे ताकि इसमें जो हल्का सा पानी है वो निकल जाए। आप चाहें तो इसे पेपर के ऊपर फैला के पंखे में थोड़ी देर के लिए रख दें, उससे भी इसका पानी सूख जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने इसे पोंछ लिया है। ये देखिए, हमारे दाल का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है। अब हम इसे भुनेंगे। तो भुनने के लिए मैंने एक पैन गरम कर लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। बचे हुए घी को हम रख देंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें चने की दाल डाल देंगे और डाल के इसे लगातार चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक कि हमारा दाल अच्छा क्रिस्पी ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। दाल को भूनते समय हम गैस का आंच मीडियम रखेंगे। दाल का हमारा कलर चेंज हो गया है, ये क्रिस्पी हो चुकी है। आप चाहें तो इसे हाथ से दबा के देख सकते हैं या खा के भी इसे चेक कर सकते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में या बॉल में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने दाल को एक बॉल में निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी दाल ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। बचे हुए घी को हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। दाल हमारी ठंडी हो गई है, अब हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे और डाल के इसे पीस लेंगे। दाल को मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीसें। ये देखिए, मैंने दाल को पीस के एक बॉल में निकाल लिया है। बचे हुए घी को मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया था। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। आप चाहें तो दूध को गर्म करने के लिए दूसरे बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दूध में चीनी डाल देंगे और इसकी चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि दूध में उबाल ना आ जाए, और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। बर्फी की चाशनी बनाने के लिए दूध का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे बर्फी बहुत स्वादिष्ट बनती है। ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस का आंच बिल्कुल धीमा कर देंगे और दाल को भून के जो हमने पाउडर तैयार किया था वो दूध में डाल देंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि हमें बर्फी की कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। बचा हुआ घी भी डाल देंगे जो हमने दाल को भुनने के बाद निकाला था। ये देखिए, हमारा मिश्रण धीरे धीरे काफी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी हमें बर्फी की कंसिस्टेंसी नहीं मिली है, इसलिए अभी हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। स्टार्टिंग में हमने सारा घी नहीं डाला था, हमने जो घी बचा के रखा था, आप चाहे तो वो भी घी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप घी ज़्यादा नहीं खाना चाहते हैं तो आप उसे ना डालें, उसके बिना भी ये बर्फी आसानी से बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें कटे हुए बादाम डाल देंगे, काजू डाल देंगे और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बर्फी बनाते समय आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे,
क्योंकि इलायची पाउडर से स्वीट डिशेज में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और डाल के इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी बर्फी का मिश्रण काफी गाढ़ा हो गया है और जमने वाली कंसिस्टेंसी आ गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। जिस बर्तन में हमें बर्फी जमानी है उस बर्तन में हम चारों तरफ अच्छे से घी लगा देंगे ताकि हमारी बर्फी ना चिपके। चम्मच की सहायता से हम घी को प्लेट में अच्छे से चारों तरफ लगा लेंगे। आप चाहे तो हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मिश्रण को प्लेट में डाल देंगे और डाल के एक चम्मच की सहायता से इसे चारों तरफ से बराबर कर लेंगे इस प्रकार से। ये देखिए मैंने चम्मच से इसे अच्छे से बराबर कर लिया है। अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। तो गार्निशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे पिस्ता का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बादाम से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। और एक चम्मच की सहायता से इसे दबा देंगे ताकि पिस्ता बाहर ना निकले। अब हम इसे एक घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। एक घंटे हो चुके हैं, हमारी बर्फी ठंडी हो गई है और जम के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो इसे चौकोर आकार में काट लें या चाहे तो बर्फी के शेप में भी काट सकते हैं। ये देखिए बर्फी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको बर्फी को निकालने में परेशानी हो रही हो तो आप बर्फी की प्लेट को हल्का सा गर्म कर लें, ये आसानी से निकल जाएगी। ये देखिए मैंने बर्फी को निकाल के एक प्लेट में रख लिया है। इसी प्रकार से हम एक एक बर्फी को निकाल लेंगे और निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए मैंने बर्फी को काट के एक प्लेट में रख लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी बर्फी बहुत ही सुंदर दिख रही है। हमारे चने की दाल से स्वादिष्ट बर्फी बनके तैयार है। आप इस बर्फी को फ्रिज में रख के 10 दिन तक खा सकते हैं। आप इस बर्फी की रेसिपी को किसी भी त्यौहार पे बना के खा सकते हैं या जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो वैसे में भी आप इस रेसिपी को बना के खा सकते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रेसिपी मंत्रा में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।